हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तंत्र मंत्र रिलेटेड चैनल मंत्रलिपि में आप सबका स्वागत है। हेलो दोस्तों, बहुत दिनों से मैं कोई भी वीडियो अपलोडिंग कर नहीं पाया क्योंकि मैं दूसरा काम में बहुत बिजी हो गया था। इसी वजह से कोई भी वीडियो अपलोडिंग कर नहीं पाया। तो अभी सोच रहा हूँ हफ्ता में एक बार या महीने में एक दो बार जरूर वीडियो लाऊँगा और आप लोगों को तंत्र मंत्र का ज्ञान देते रहूँगा। और विद्या भी मैं बहुत सारा गुप्त विद्या है उसको भी आपको आप लोगों को सिखाते रहूँगा। हेलो दोस्तों, आज जो मैं इस वीडियो में जो जो माँ का जो पीठ है उसे दर्शन करवा रहा हूँ, ये उड़ीसा राज्य में केंदुझर जिला में अवस्थित घटका का माँ तारिणी टेम्पल है। मान्यता यही है कि तारिणी माता बहुत ही जागृत देवी है, तो जिसने भी जो मन्नत मांगा है आज तक उसका मन्नतें पूरी हुआ है। इस माँ का पीठ को दर्शन करने के लिए आपको अगर बाहर से आएंगे तो भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में चलाएंगे, वहाँ से आपको केंदुझर के लिए ट्रेन मिल जाएगा। आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। आप अगर चाहेंगे तो बस में आने के लिए तो आपको उड़ीसा में आकर बड़ो मुंडा बस स्टैंड में आना पड़ेगा, वहाँ से आपको केंदुझर के लिए बस मिल जाएगा। उस बस में आप आ सकते हैं तारिणी टेम्पल में। और यहाँ पर आने के बाद आपको रहने के लिए भी सुविधा है। आप अगर चाहेंगे तो एक दिन दो दिन रुकने के लिए यहाँ पर आप रुक भी सकता है, यहाँ पर व्यवस्था भी है। और दोपहर के खाने के लिए माँ का यहाँ पर प्रसाद भी मिलता है, प्रसाद भी आप ले सकते हैं। ये बहुत जागृत देवी है क्योंकि उड़ीसावासी बहुत ही मानते हैं, क्योंकि आज तक जिसने भी जो मन्नत मांगा है उसका मन्नत है कभी अधूरा नहीं हुआ, ऐसा बात नहीं, बट उसका सारा इच्छा पूरी हुआ है। क्योंकि माँ के पास मन्नत मांगने के लिए इनके पास आने के लिए आपको एक नारियल लेना है और नारियल को आपका सर में लगाकर जो भी मन्नत मांगेंगे माँ तारिणी से आपका मन्नत पूरी होगा। आप अगर कोलकाता से या वेस्ट बंगाल से आना चाहते हैं या झारखंड से आना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली बस मिल जाएगा, मतलब बस आपको मिल जाएगा। कोलकाता से आएंगे तो बाबूघाट से आप डायरेक्टली बस पकड़ लेंगे केंदुझर के लिए। आपको बस में बैठ कर आप चलाएँगे डायरेक्टली घटका तारिणी टेम्पल में। और बाहर से जिन लोग आएंगे उन लोग आप चाहेंगे तो रेलवे में आ सकता है या आप एयर का माध्यम भी आ सकता है। जैसे बिजू पटनायक एयरपोर्ट है, आप एयरपोर्ट में उतर कर आप चलाएँगे सीधा। आप अगर पर्सनल कोई भी कार लेकर आना चाहता है तो कार लेके भी आ सकता है, नहीं तो आप डायरेक्टली एसी बस भी मिल जाता है या आप नॉन एसी बस भी मिल जाता है या ट्रेन में भी आप आ सकते हैं। माँ का यहाँ पर सुबह का आरती और शाम का टाइम में जो आरती होता है वो बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि दिव्य दर्शन मिलता है माँ का। आप प्रत्यक्ष भी आप माँ को दर्शन कर सकते हैं। आपका अगर माँ के प्रति श्रद्धा रहेगा तो आप माँ का दर्शन जरूर कर सकते हैं। तो आप लोग आइए, आके एक बार दर्शन करके जाइए माँ के पास से, माँ को दर्शन करके जाइए। और आपका कोई अगर अधूरा इच्छा है पूरी नहीं हो रहा है, बहुत जगह में जाकर आप के आ चुके तो माँ के पास आइए, माँ को नारियल चढ़ा के जाइए, आपका इच्छा जरूर पूरी होगा। आज मैं आप लोगों का एक गुप्त मंत्र दूंगा, वशीकरण मंत्र, जिस वशीकरण कभी खाली नहीं गया, ये बहुत ही गुप्त मंत्र है। तो इस वशीकरण प्रयोग विधि भी आप लोगों को बोल दूंगा। प्यार करता है वो लड़की आपको मतलब नहीं चाह रहा है और किसी को लव कर रहा है और किसी को प्यार कर रहा है, आप इस वशीकरण क्रिया को कर आप उसको अपना बना सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी शनिवार या मंगलवार के दिन शमशान घाट से कोयला थोड़ा सा राख उठा कर आपको लाना है, जो चिता का राख उठा कर लाने के बाद आपको जो मंत्र बोलूँगा छोटा सा मंत्र, इस पर 108 बार पाठ करना है। पाठ कर उसमें फूंक लगाना है। और इसका पहले आप जिस लड़की को वशीकरण करेंगे उस लड़की का नाम पे आप संकल्प ले लेंगे, उनका नाम, उनका माँ का नाम या उसका बाप का नाम, उसका गोत्र और आपका नाम, आप किस लिए इसको वशीकरण करना चाहते हैं, तो उस इच्छा बोलकर आप उसको आप उस मंत्र को 108 बार पाठ करेंगे। पाठ करने के बाद उसको फूंक लगाएंगे, लगाने के बाद उस राख को लेकर उस लड़की के ऊपर में लगा देंगे। लगाने के बाद ही वो लड़की आपसे मिलने के लिए तड़पेगा। जब तक आपसे आपको नहीं मिलेगा तब तक वो आपके लिए बेचैन रहेगा। तो ये जो मंत्र है आपको पाठ करके सुना रहा हूँ, ओम चंडालिनी शमशान वासिनी शाहा मंत्र, यही छोटा सा मंत्र है। मंत्र और को और एक बार बोल दे रहा हूँ, ओम चंडालिनी शमशान वासिनी शाहा, यही है मंत्र। इस मंत्र को आप लोग प्रयोग करके देखिए
बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और माँ के बारे में और क्या बोलूँगा, आपको अगर आना है तो एक बार आकर घूम कर जा सकते हैं। ये बहुत ही दिव्य माता का मंदिर है और चमत्कारी मंदिर है, क्योंकि यह का मान्यता यही है, माँ के पास जिसने भी जो भी चीज़ मांगा है आज तक माँ उनका इच्छा पूरी नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ, माँ उनका इच्छा पूरी करके छोड़ा है। और आप लोग भी आइए, आकर एक बार माँ का दर्शन करके जाइए, ये बहुत ही चमत्कारिक मंदिर है। और माता यहाँ पर जागृत रूप में विराजमान है, माँ तारिणी। ये उड़ीसा राज्यों में केंदुझर जिला में अवस्थित घटगांव में तारिणी टेम्पल है, आप लोग इसका दर्शन कीजिए। अभी जो आरती हो रहा है, आरती का दर्शन आप लोग कर लीजिए। और आप लोग आना चाहते हैं तो ज़रूर आप लोग आइए, यहाँ पर दर्शन करके जाइए। मैंने अभी से आप लोगों को कोई ना कोई, मतलब हर महीने में एक ना एक किसी भी माता का दर्शन करवाऊँगा। तो आप लोग आइए मंदिर में, दर्शन करके जाइए। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।